तुम एक मेडिकल की स्टूडेंट हो और तुम्हें कुछ शारीरिक अस्वस्थता थी जिसके लिए वे तुम अध्यात्म साधना केंद्र में आई। क्या तुम ये बताना चाहोगी कि तुम्हें किस तरह की परेशानी थी और किस प्रकार से तुम्हारा अध्यात्म साधना केंद्र में आना हुआ? पीसीओडी नाम की एक प्रॉब्लम है जो फीमेल्स को होती है मोस्टली। उसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो जाता है। मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ब्लीडिंग आती थी, बहुत कम टाइम के लिए पॉज होता था, अदरवाइज़ पूरे मंथ ब्लीडिंग रहती थी। और मेरा कंसंट्रेशन बहुत डाउन हो गया था, मैं किसी चीज़ पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी और मेरे को वीकनेस आ गई थी बहुत ज़्यादा, मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया था। फिर मेरे को इंटरनेट से सर्च करते करते मेरे को यहाँ के बारे में पता चला, साधना केंद्र के बारे में पता चला, तो मैं यहाँ आई। मैंने यहाँ पे आके 2-3 सेशंस लिए योगा के, उसके बाद मेरे को बहुत बेनिफिशियल लगा वो, तो फिर मैंने 7 डेज़ का कैंप भी ज्वाइन किया। कविता, क्या तुम ये बताना चाहोगी कि तुम्हें 7 दिन के कैंप में यहाँ किस किस प्रकार के प्रयोग करवाए गए और उन प्रयोगों से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त हुआ? यहाँ मेरे को मंत्रा चैंटिंग सिखाई गई, मेडिटेशन कराया गया, साइकोथेरेपी मिली, योग आसन सिखाए गए मेरे को, जिनसे मेरा स्ट्रेस मेंटली मेरे को बिल्कुल रिलीफ मिल गया। मेरे को स्ट्रेस नहीं है बिल्कुल भी इस टाइम पे, और मेरी जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम थी वो भी अभी तक बिल्कुल नॉर्मल है टिल नाउ, एंड सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। बहुत लाइट फील करती हूँ, बहुत खुश खुश रहती हूँ पूरे दिन, जैसा पहले नहीं होता था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनसे। क्या ये बता सकती हो कि पहले ब्लीडिंग डिसऑर्डर कितने दिन रहता था और अब उस ब्लीडिंग डिसऑर्डर की क्या स्थिति है? तुमने ये तो बताया कि स्ट्रेस लेवल तुम्हारा कम हुआ है, लेकिन स्ट्रेस लेवल के साथ ब्लीडिंग डिसऑर्डर में कितना अंतर आया, ये भी प्लीज बताओ। पहले मेरे को सिर्फ एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, जो कि 28 डेज़ का होता है नेचुरली, बट मेरे को सिर्फ 7 डेज़ का गैप आता था और फिर दोबारा से मेरे को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी और वो 12 डेज़ तक रहती थी। उसमें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता था, वीकनेस हो जाती थी, बट आज मेरे को 14 डेज़ हो चुके हैं लास्ट साइकिल के बाद, और अभी तक मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई बिल्कुल नॉर्मल हूँ मैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर ठीक होने के अलावा तुम्हें क्या-क्या फायदा महसूस हो रहा है? दूसरी बात, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रयोग को अब तुम घर जाकर के कंटिन्यू कर पा रही हो? ब्लीडिंग के अलावा मैंने जैसा बोला था कि स्ट्रेस मेरा बिल्कुल ज़ीरो हो चुका है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई तनाव नहीं है मेरे दिमाग पे अब, और बहुत लाइट फील करती हूँ। और हाँ, मैं घर जाके भी ये सारे प्रयोग कर पा रही हूँ बहुत अच्छे से, सब कुछ मेडिटेशन और मंत्रा चैंटिंग, योगासन, सब कुछ बहुत अच्छे से काफ़ी कर पा रही हूँ। कविता, यू आर यंग मेडिकल स्टूडेंट और तुमने अभी अभी बहुत हेल्थ बेनिफिट्स गेन किए हैं एक केवल 10 दिन का एक प्रयोग करने से। अपनी उम्र के यंग जनरेशन को क्या तुम कोई मैसेज देना चाहोगी? मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि मेडिकल, हर बीमारी का इलाज मेडिकल या अपना इनसाइड आर बॉडी नहीं है। हमें कुछ बीमारियाँ ऐसी भी है जो सिर्फ मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती, और कुछ ऐसी भी हैं जो सिर्फ योग से ठीक नहीं हो सकती, तो हमें दोनों चीज़ें साथ साथ करनी चाहिए। मेडिसिन को हटा के हमें एक बारी योग पे भी ध्यान देना चाहिए, बिकॉज़ योग एक नेचुरल ऐसा तरीका है जो हमें पूरी तरह से स्वस्थ हेल्दी बना सकता है। मेडिसिन्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी है, एज अ मेडिकल स्टूडेंट मेरे को बहुत अच्छे से पता है मेडिसिन्स के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट अगर आप योग भी करोगे तो उससे आपको 100% बेनिफिट मिलेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है।